काटे काबिल शूट आउट लोखंड वाला, शूट आउट एट वडाला जैसी गैंगस्टर वाली एक्शन प्रधान डार्क एंड इंटेंस फिल्मों की खासियत रखने वाले संजय गुप्ता एक बार फिर मुंबई सागा में अपने पुराने अंदाज में दिखाई देते हैं। मुंबई का अंडरवर्ल्ड और उसकी काली दुनिया गुप्ता का पसंदीदा सब्जेक्ट रहा है। यहाँ भी वह उसी एलिमेंट को भुनाते नजर आते हैं। मुंबई सागा अमर्त्य राव, जॉन अब्राहम जैसे सब्जी भाजी की दुकान लगाने वाले एक आम लड़के से गैंगस्टर बनने की कहानी है। फिल्म में 80 के दशक का मुंबई है, जहाँ गायतोंड के अमोल गुप्ते अपने गुंडों के जरिए जेल में बैठकर हफ्ता वसूली का धंधा चलाता है। उसी सिलसिले में एक बार वह जब उसके गुंडे अमर्त्य राव के छोटे भाई अर्जुन प्रतीक बब्बर को जान से मारने की कोशिश करते हैं, तब अमर्त्य बदला लेने के लिए हथियार उठा लेता है। गैंगस्टर बनने की राह में अमर्त्य का सर पर हाथ रखता है और मुंबई किंग मेकर भाऊ महेश मंजरेकर माफिया सत्ता राजनीति और दुश्मनी से इस सफर में गैंगस्टर के रूप में अमर्त्य का कद बढ़ता जाता है। वह काजल अग्रवाल से शादी भी कर लेता है और अपने छोटे भाई अर्जुन को इस खूनी खेल से दूर रखने के लिए लंदन भेज देता है। मगर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अमर्त्य मुंबई के जाने माने मिल मालिक खेतान समीर सोनी को सरेआम कत्ल कर देता है और वहीं से मुंबई की सत्ता पर काबिज रखने वाले अमर्त्य का गणित गड़बड़ा जाता है। खेतान की पत्नी अंजना सुखानी अपने पति के कातिल को पकड़वाने के लिए उस पर 10 करोड़ का इनाम रख देती हैं। अब अमर्त्य को गायतोंडे जैसे काइया दुश्मन का सामना करना होता है, साथ ही विजय सावरकर जैसे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के वार से भी बचना है। गैंगस्टर और पुलिस की इस लुका छुपी में किसकी जीत होती है, यह जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। निर्देशक संजय गुप्ता चैलेंजिंग और कत्ल के रोंगटे खड़े कर देने वाले दृश्य से फिल्म की शुरुआत होती है और फर्स्ट हाफ तक धमाकेदार एक्शन और इमोशन के दृश्यों से बांधे रखने में कामयाब रहते हैं। अपनी फिल्म के किरदारों को उनके लुक एक्शन और डायलॉगबाजी से बनाना संजय गुप्ता की विशेषता रही है, जिसका निर्वाह उन्होंने यहाँ भी बखूबी से किया है। मगर दिक्कत तब आती है जब आप पहले भी कई बार देखी हुई कहानी को देखने लगते हैं। गुप्ता की कहानी में नयापन का अभाव है। सेकेंड हाफ में तेजी से बदलते घटनाक्रम की कहानी को उलझा देते हैं। क्लाइमेक्स निर्देशक ने अपनी पसंदीदा शैली में रखा है। बंदूक से निकली गोली न ईद देखती है और न होली। मराठी को जो रोकेगा मराठी उसे ठोकेगा जैसे संवाद फ्रंट बेंचर्स को ध्यान में रखकर लिखे गए हैं। फिल्म का लुक पूरी तरह 80 का फील देता है। संगीत की बात करें तो पायल देव के संगीत में देव नेगी का गाया डंका बजा कहानी को आगे ले जाता है, मगर हनी सिंह की आवाज में शोर बचेगा अचानक आ जाता है। एक्शन के अहाकारी दृश्यों के साथ जॉन एक बेरहम गैंगस्टर का किरदार में हर तरह से फिट बैठते हैं। इमरान हाशमी की एंट्री फिल्म में लेट होती है, मगर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अफसर के रूप में वे रंग जमा देते हैं। जॉन और इमरान नहले पे दहला साबित हुए हैं। महेश मांजरेकर किंग मेकर भाव के रूप में जसते हैं तो अमोल गुप्ते गायतोंडे के रोल में चौंकाते हैं। काजल अग्रवाल और अंजना सुखानी जैसी फीमेल कास्ट को स्क्रीन पर कुछ ज्यादा करने का मौका नहीं दिया है। प्रतीक बब्बर रोहित रॉय गुलशन ग्रोवर आदि अन्य कलाकारों ने अपनी भूमिकाओं को न्याय दिया है। सुनील शेट्टी मेहमान कलाकार के रूप में आते हैं। एक्शन के तगड़े डोज के शौकीन और जॉन अब्राहम और इमरान हाशमी के फैंस ये फिल्म देख सकते हैं। तो देखिए मुंबई सागा और कमेंट्स करके बताइए कि आपको कैसी लगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए बिग स्क्रीन।